नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका कमेंट लेने वाला हूं। एक्चुअली वो एक आरओ यूज़ कर रहे हैं, उनका कुछ कमेंट ये इस टाइप से था कि सर हमारा जो वाटर प्योरीफायर है वो पानी का टेस्ट नहीं दे रहा। मतलब हमारे यहाँ पानी की सप्लाई है MCD का पानी है, कॉरपोरेशन का पानी है, जिसका TDS 110 रहता है। ऐसे ही हमारे पास एक कमेंट आया था, सप्लाई का पानी हमारे आरओ में जा रहा था उसका TDS 110 है, लेकिन पहले हमारे आरओ में जैसा टेस्ट आता था वैसा अब टेस्ट नहीं आ रहा। TDS भी हमने चेक किया है, शायद होगा उनके पास TDS मीटर, जैसा TDS हमारी सप्लाई इस आरओ में जा रही है, जो हमारी टैप से पानी की सप्लाई आती है, उतना ही TDS हमारे इस वाटर प्योरीफायर में फिल्टर होके आ रहा है। मतलब टेस्ट बेकार हो गया है, अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा। तो आज हम हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, व्यूवर भाई हैं, जिन्होंने हमसे कमेंट करके ये समस्या का समाधान चाहा है, क्या कारण रहता है, अपनी तरफ से थोड़े डिटेल से मतलब समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उन्हें ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी ये जानकारी देना चाहूँगा। देखिए हमारे भाई साहब ये जो है, इन्होंने हमें कमेंट करके ये बोला कि पानी का TDS 110 है। तो भैया देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 110 TDS पे हमें RO लगाने की जरूरत ही नहीं होती, पहली बात तो ये, क्योंकि 110 TDS का पानी हम पी सकते हैं, सिर्फ TDS ठीक है। यहाँ हमें एक चीज नोट करनी है, ये नहीं कि हमें डायरेक्ट जो सप्लाई का पानी आ रहा है उसे डायरेक्ट ही पी लेना है, उसमें सिर्फ पानी का TDS ठीक है, लेकिन उसमें केमिकल इम्प्यूरिटीज भी है, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज भी हैं और फिजिकल इम्प्यूरिटीज भी सारी रहती है। सिर्फ TDS ठीक आ रहा है, TDS हमें लो करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 110 TDS का पानी 110 TDS का पानी पी सकते हैं तो पी लें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब पहले क्या हो रहा होगा, जो उनकी समस्या है उसे हम लेते हैं। हमारे यहाँ से पानी की सप्लाई हमारे RO यूनिट में सारे फिल्टर्स में गई, 110 सप्लाई को मान लिया, हमारा RO अगर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है तो ये रफली मान के चलते हैं कि 90% TDS लो करता है। 90% TDS अगर लो करता है तो वो 110 को 10, 15 या 20 पे लेके आ जाता, मान लिया कि 80% भी TDS लो कर रहा है, तो 20 जो TDS हमारे RO से फिल्टर होके आ रहा है उसका TDS बहुत ज्यादा लो हो जाता। पानी पीने में अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लगता है कि हाँ भी हम RO का पानी पी रहे हैं, बिस्लेरी जैसा पानी पी रहे हैं। देखिए अगर आप टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेस्ट भले आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो पानी सेफ नहीं रहता। तो पहले तो ये है कि आप जो पहले पानी पी रहे थे ऐसा तो नहीं है, आपको ये चेक करना होगा उसका TDS लो तो नहीं हो रहा था बहुत ज्यादा। अगर लो हो रहा तो अगर आपके RO में TDS एडजस्टर लगा हुआ था तो TDS एडजस्ट हमें जरूर करना चाहिए था। हो सकता कि अब ये हुआ हो, या यही कारण तो यही रहता है ना कि भाई हमारी मेम्ब्रेन पहले सही काम कर रही थी, वो TDS को लो करके 90% लो करके 10, 15, 20 पे लेके आ रही थी, लेकिन अब टाइम पीरियड के ऑगेटिंग यूज करते 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 हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के पोर भी कई बार खुल जाते हैं। कई बार क्या खुल जाते हैं, मेम्ब्रेन के पोर ही खुलते हैं। TDS ना लो करने का सबसे बड़ा कारण तो मेन, जो वैसे तो कई कारण रहते हैं, वो डिटेल की हमारी वीडियो, लेकिन मेन कारण हमारा यही रहता है कि TDS लो नहीं हो रही, टेस्ट वैसा आ रहा है तो हमारी मेम्ब्रेन के पोर खुल गए। उस कंडीशन में ये रहता है कि हमारे RO में पानी तो भरता है लेकिन वो TDS लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पोर खुल जाएंगे तो सारा का सारा पानी बिना फिल्टर, जितना फाइन फिल्ट्रेशन वो पहले कर रहा था, पोर का साइज बड़ा हो गया, तो डायरेक्ट हमारा सारा TDS वाला जो 110 TDS वाला पानी इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें मेम्ब्रेन चेंज करनी है। सबसे पहली बात तो मेम्ब्रेन चेंज कर दीजिए, आपका पानी का टेस्ट ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये फिर दोबारा कहना चाहूँगा, 10-15 पे TDS आती है तो अगर आपके RO में TDS एडजस्टर लगा हुआ है तो उसे एडजस्ट करा के कम भी चलो मान के चलो 70-80 तो जरूर रखवाइए। वैसे 100-150 हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको टेस्ट में अब आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, 100 से डाउन तो होना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो एक कहते हैं कि चलो जी हमें टेस्ट की भी दिक्कत है, हमें टेस्ट गले से नीचे नहीं हो रहा, तो आप कम से कम 70-80 जरूर रखवाओ। पहला कारण तो ये हो जाता है, मेन कारण यही है, सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन ही चेक करनी है। दूसरा, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे RO का मेम्ब्रेन ही खराब हो,
90% यदि कर, लेकिन 10% और चांसेस भी तो हो सकते हैं ना। अब 10% में चांसेस ये रहते हैं, दो कारण और आपको बताऊंगा जो कि आपको चेक करने हैं। सबसे पहले तो ये हमें चेक करना है हमारा आरओ जो लगा है, अगर हमारे आरओ के साथ में एक प्री फिल्टर जो साइड में एक व्हाइट कलर की बोतल रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोतल में जो फिल्टर रहता है वो पूरा चोक हो गया। अब चोक होने से क्या रहता है कि हमारे फिल्टर चोक हो जाएगा, पानी आगे पास नहीं करेगा, आरओ यूनिट में स्मूथ फ्लो नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में भी यही रहता है, आरओ का टैंक भरने में ज़्यादा समय लगता है। तो एक कारण ये भी रहता है कि पूरा सप्लाई जाएगा नहीं, मोटर को पूरा पानी मिलेगा नहीं, तो पूरा अगर मेम्ब्रेन तक पानी नहीं जाएगा तो मेम्ब्रेन भी टीडीएस उतना लो नहीं करेगी। हमें बाहर वाला फिल्टर भी चेक करना है और ये अंदर वाले फिल्टर भी हम चेक कर सकते हैं। हमें बेसिकली हमें ये चेक करना है कि हमारा जो बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप का जो आउटलेट यहाँ आ रहा है, मान लो हमारे मेम्ब्रेन तक जो आ रहा है, यहाँ तक बेसिकली फ्लो फर्स्ट क्लास आ रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट क्लास फ्लो नहीं आ रहा तो आपको पहले तो भैया फिल्टर वगैरह चेंज करो। इसका डाउट क्लियर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सप्लाई जो देनी है सारे फिल्टर हटा देने, डायरेक्ट पानी की सप्लाई प्री फिल्टर को भी हटा के, बैक साइड में सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर भी जो लगे हुए हैं उन सबको हटा के हमें डायरेक्ट सप्लाई आरओ में दे देनी है पानी की। डायरेक्ट पानी की सप्लाई एसवी में दे देनी है, एसवी के बाद हमारा पंप में जाएगा, पंप के बाद आपको देखना कि प्रेशर सही आ रहा है नहीं। अगर प्रेशर सही आ रहा है और मेम्ब्रेन में डालने के बाद फिर देखना प्रेशर, अगर टीडीएस लो हो जाती है तो फिर मेम्ब्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फिल्टर्स वगैरह चेंज करो और टीडीएस लो हो गया आप पानी पीते रहो। फिर एक कारण ये भी रहता है कि जी हमारे फिल्टर्स भी सही हैं, फिल्टर्स तो हमने अभी चेंज करवाए हैं ना, 2 महीने हुए हैं, पानी का फ्लो तो हमारे मेम्ब्रेन तक सॉरी मोटर तक सही आ रहा है। कई बार अगर हमारा मेम्ब्रेन भी ठीक है और अगर हमारा फिल्टर्स वगैरह भी ठीक है तो हमारी मोटर भी कई बार पानी का प्रेशर पूरा नहीं बनाती है। अगर मोटर जो है पानी मेम्ब्रेन पानी का फ्लो मेम्ब्रेन में बूस्ट करके हाई प्रेशर नहीं फेंकेगी, उस कंडीशन में भी टीडीएस जितना लो करना चाहिए मेम्ब्रेन को उतना नहीं करेगा। जहां फर्स्ट क्लास फ्लो पंप का होना चाहिए, मेम्ब्रेन भी हमारी सही है, जहां 90% लो करती है तो उस कंडीशन में भैया 50% तक ही कर पाती है, 60% तक ही कर पाती, क्योंकि पूरा फ्लो तो जा नहीं रहा ना। तो इसलिए मेम्ब्रेन तक बूस्टर पंप का फ्लो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये 3 चीजें जरूर हमें चेक करनी होती है, लेकिन मैं यहां ये कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको ये मोटर भी बाद में आ जाती है, फिल्टर तो हमें आइडिया हो ही जाता है, फिल्टर तो हम चेक कर ही लेंगे। सबसे ज्यादा जो मेम्ब्रेन की ही दिक्कत रहती है, इसलिए टीडीएस लो नहीं होता, पोर खुल जाते हैं। मैंने देखिए दो कारण होते हैं कि भाई मेम्ब्रेन खराब हो गई, ठीक है। पहला तो ये, या तो हमारी मेम्ब्रेन चोक हो जाएगी। चोक होने से क्या रहता है, इस ये यहां से हम इस ढक्कन को खोलेंगे, ये हमारा बेसिकली मेम्ब्रेन वाला फिल्टर रहता है, इसमें लिखा हुआ है आरओ मेम्ब्रेन। 2 तरीके से पता चलता है हमारी मेम्ब्रेन सही काम कर रही है नहीं। एक तो ये, या तो हमारी मेम्ब्रेन चोक हो जाएगी, मतलब बूस्टर पंप का प्रेशर हमारा मेम्ब्रेन तक सही जा रहा है। यहां मैं थोड़ी मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको जानकारी देता हूं, जो हमारे भाई साहब ने जो कमेंट करके पूछा था वो तो मैंने बता दिया कि भाई ये 3 कारण रहते हैं कि टीडीएस लो नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। पहला मेम्ब्रेन ही है। दूसरा, अब ये थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा कि मेम्ब्रेन 2 तरीके से पता चलती है कि हमारे आरओ का मेम्ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं, या खराब हो गया। या तो हमारे मेम्ब्रेन चोक हो जाएगा, चोक होने से ही रहेगा, वेस्ट पानी सारा जाता रहेगा, फ्री फ्लो जाएगा, फुल फ्लो जाएगा, लेकिन हमारा जो आरओ का जो टैंक है वो भरने में बहुत टाइम लगेगा, ड्रॉप 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 करके भरेगा, तो पता चल जाएगा जी हमारा मेम्ब्रेन चोक है। मेम्ब्रेन खोल के देखेंगे, मेम्ब्रेन हार्ड हो जाता है, नया मेम्ब्रेन लगाएंगे, उसमें फर्स्ट क्लास फ्लो आएगा, हमारा टैंक भी फर्स्ट क्लास भरेगा और वेस्ट पानी भी जाएगा। एक तो मेम्ब्रेन चोक हो जाता है, या फिर दूसरा ये रहता है कि हमारा मेम्ब्रेन से फ्लो आ रहा है, मेम्ब्रेन फर्स्ट क्लास फ्लो दे रहा है, पहले से भी ज्यादा दे रहा है, लेकिन पानी का टीडीएस लो नहीं कर रहा। उस कंडीशन में ये रहता है कि हमारे मेम्ब्रेन चोक नहीं हुई, उसके पोर खुल गए, पोर खुलने से वो पानी का फिल्टर नहीं सही से कर रहा है, टीडीएस ज्यादा दे रहा है, सेम जैसा पानी पीछे से आ रहा था वैसे पानी आरओ में भी आ रहा है। तो ये मेन कारण रहते हैं। उम्मीद करता हूं जो डिटेल मैंने आपको बताई कि भाई ऐसी कभी भी कोई समस्या है, कोई भी जो हमारी वीडियो भाई देख रहे हैं, अगर आप आरओ यूज कर रहे हैं, टेक्नीशियन भाई हैं, नया काम सीख रहे हैं, अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यही पॉइंट आपको चेक करने हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है, बार बार कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपके मतलब का ये चैनल रहने वाला है, क्योंकि ऐसी टिप्स हम देते रहते हैं आरओ से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।